उसमें कोई यूनिफॉर्म का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेट स्कूल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक टीचर लगातार 6 साल तक आपको पढ़ाए। उन्हें होमवर्क नाम मात्र दिया जाता है कि 7 साल की कम उम्र से पहले बच्चों को एडमिशन ही नहीं देंगे। ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ सभी पेरेंट्स के लिए देखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप पढ़ क्यों रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो आप अपने बच्चों को? पढ़ाई करने का, एजुकेशन हासिल करने का असली मकसद होता है एक बेहतर इंसान बन जाना, एक बेहतर इंसान जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है और जो अपनी कंट्री के काम आ सके। इसी बात को दिमाग में रखते हुए कंट्री ने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। उस एजुकेशन सिस्टम में इसी बात पर ध्यान दिया गया कि हमें अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना है, इसीलिए उस सिस्टम के अंदर एग्जाम ही नहीं रखे गए। ना कोई एग्जाम होते, ना एग्जाम का टेंशन। 7 साल तक तो बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने घर पे रहें, यानी एडमिशन 7 साल की उम्र के बाद होता है। और तो और बच्चों की सिर्फ इसी बात पे ध्यान दिया जाता है कि क्या वो हंसते खेलते सीख रहे हैं कि नहीं। ना कोई एग्जाम का टेंशन होता, ना ही उन्हें फर्स्ट आने का टेंशन होता, ना उन्हें टैग लगाया जाता कि आप फेलियर हो, निकम्मे हो। तो फिर ये सिस्टम चला कैसे, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही? इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि ये आज वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से देश, यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड की, जिसका एजुकेशन सिस्टम आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने अमेरिका जापान सबको पीछे छोड़ दिया है। कैसे कैसे मजेदार सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड के, ये आज मैं आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। साथ ही हमारी कंट्री, हमारे देश में किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे फिनलैंड से सीख सकते हैं, ये सब कुछ भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सब देखें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक ये वीडियो जानी चाहिए। दोस्तों फिनलैंड ने क्या कमाल का काम किया है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में। उन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए पहला बार तो ये लगाया कि 7 साल की कम उम्र से पहले बच्चों को एडमिशन ही नहीं देंगे। 7 साल तक बच्चे का अच्छे से विकास हो जाए, उसका ब्रेन डेवलप हो जाए, वो आराम से खेले कूदे, इंजॉय करे और प्रिपेयर हो जाए स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। अब जब 7 साल की उम्र के बाद वो स्कूल को ज्वाइन करेगा तो एक 9 ईयर का उनका एक करिकुलम है जिसको फॉलो किया जाता है, यानी 16 साल तक की उम्र तक उसका अब एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई एग्जाम ही नहीं देना। हाँ, जब एग्जाम नहीं होगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा जहां बच्चे को सिखाया जाएगा कि कैसे उसको अपने दोस्तों से फ्रेंडशिप करनी है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे उसको सोशल बनाया जाए, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल। अब सोशल एनिमल को जब पता ही नहीं लोगों से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, तो कहां का सोशल। तो इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाए स्कूल के अंदर जहां बच्चे एक दूसरे से बात करना सीखे, कैसे जिंदगी को जिया जाता है, क्या एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों पर जोर दिया जाता है। एग्जाम का टेंशन नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें एक एक्टिविटी दी जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाती हैं जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन कराया जाता है, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाया जाता है। और जब 16 साल की उम्र हो जाती है, वो 9 साल का करिकुलम पूरा हो जाता है, तब जाके एक एग्जाम होता है जो उनका एक नेशनल मैट्रिकुलेशन टेस्ट होता है, वो देना होता है बस। और उसमें भी मार्क्स नहीं दिए जाते, उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम है जिसको मॉनिटर करता है पूरा, इनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वो मॉनिटर करती है टीचर्स के थ्रू। यानी अब भी आपके अंदर ये कॉम्पिटिशन नहीं है कि मैं ज्यादा लाऊं मैं कम लाऊं, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम जो बात है, जिसको ए मिला है बराबर वाले को भी ए मिला है, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि मार्क्स कितने हैं। तो एज सच कॉम्पिटिशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो जेलेसी या नेगेटिव वाइब्स आती है वो खत्म हो जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे रट लेते हैं और टीचर्स एग्जाम लेते हैं, बच्चे उसमें लिख देते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है टॉप परफॉर्मेंस स्टूडेंट की, कि भाई ये टॉप परफॉर्मर्स हैं हमारे, और उनकी एक लिस्ट बन के रह जाती है। फिनलैंड में ऐसा होता ही नहीं है, उनके एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को उखाड़ के फेंक दिया गया है कि भाई कोई टॉप परफॉर्मेंस कोई नाम की चीज है ही नहीं, सारे स्टूडेंट सब इक्वल हैं, हमें नहीं मतलब किसने कैसा परफॉर्म किया, दिमाग में ये चीज आएगी ही नहीं। साथ साथ क्या होता है कि इनकी जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं वो इस तरह से होते हैं कि 45 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट्स की, उसके बाद 15-20 मिनट्स का ब्रेक होता है ताकि सब लोग रिलैक्स रह सकें। और ये एक पोमोडोरो टेक्निक है, मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस किया था, उसको फॉलो कर रहे होते हैं ये लोग। पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, एक ऐसी बॉडी है जो असेस करती है जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी साइंस और मैथ्स वगैरह को देखते हैं कि कितने अच्छे हैं उसमें। तो उसमें भाई फिनलैंड ने टॉप किया था, फिनलैंड के स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, जबकि वहां उनको एग्जाम की आदत भी नहीं है, बट उनका माइंड इतना रिलैक्स रहता है कि वो सारी चीजें आसानी से कर पाते हैं। इनकी स्कूल टाइमिंग बड़ी मजेदार है, 9:30 बजे से लेके 9:45 तक आप आराम से स्कूल जाओ, ये नहीं कि सुबह सर्दियों में उठ के 8 बजे जा रहे ठिठुरते हुए, नींद पूरी नहीं हुई है, बच्चा पढ़ेगा क्या। तो किस पे काम किया जा रहा है, साइकोलॉजी पे, बच्चे की साइकोलॉजी पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम होमवर्क अगर कहीं के स्टूडेंट्स को मिलता है वो फिनलैंड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें होमवर्क नाम मात्र दिया जाता है ताकि बच्चे को वो प्रेशर भी ना रहे, पढ़ाई सुन के प्रेशर ना आए, स्कूल सुन के प्रेशर ना आए, ये बात बच्चे के अंदर पूरी डेवलप हो जाती है, घुस जाती है और वो एकदम रिलैक्स फील करता है, अपने घर से ज्यादा उसको स्कूल में अच्छा लग रहा होता है। कैसा लगे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके 5th क्लास के टीचर आपको 9th या 10th क्लास तक पढ़ाते रहे, सेम टीचर सेम, बिल्कुल
बिल्कुल सेम टीचर आपको, बचपन से आप बड़े हो गए उन्हीं टीचर से पढ़ते पढ़ते सेम टीचर से, कैसा लगेगा, मजा आएगा ना, बड़ा अच्छा फील होगा ना। फिनलैंड में यही है कि एक टीचर लगातार 6 साल तक आपको पढ़ाएगा। अब उससे क्या होगा, उस टीचर से दोस्ती हो जाएगी, वो भी अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएगा, बच्चे भी उसको जान लेंगे और बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आने लगेगी टीचर्स के साथ। तो इस तरह से एक रिश्ता बन जाता है और टीचर को समझ में आता है कि ये बच्चा किस चीज में अच्छा कर रहा है, किस चीज में बुरा कर रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली बच्चों को जज कर पाता है, अच्छे से उसको एनालिसिस कर पाता है। कमाल की बात है कि फिनलैंड के अंदर प्राइवेट स्कूल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां सारे स्कूल पब्लिक स्कूल होते हैं, पब्लिक कॉलेजेस होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी आपकी पढ़ाई का खर्चा, आपकी किताबों का खर्चा, आपका मिड डे मील, ये सब कुछ आपको वहां की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही होती है। और अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो वीक होता है, उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसके लिए भी अलग से इंतजाम कराया जाता है, उसको असेस करके उस स्कूल में डाला जाता है, अलग से उसकी केयर की जाती है ना, मजेदार। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है, टीचर्स परफॉर्मेंस बाउंड नहीं है, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है कि अगर बच्चा कमजोर है, वीक है पढ़ाई में, तो उससे पूछा जाए कि भाई ये वीक क्यों है, तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब क्यों है, ऐसी कोई परफॉर्मेंस वाली लिस्ट तैयार की ही नहीं जाती टीचर्स के लिए। और तो और मजेदार बात बताऊं आपको, वहां टीचर बनना भी बड़ा मुश्किल है, टीचर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और वो जॉब इतनी मुश्किल कर दी गई है, इतनी सेलेक्टिव जॉब कर दी गई है, ऐसा मान लीजिए जैसे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना, कोई बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम निकालना, वो जॉब वहां टीचर की बन गई है। टीचर्स के अंदर देखा जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा क्या इसके अंदर मोटिवेशन स्किल्स हैं, क्या उस टीचर के अंदर, उस कैंडिडेट के अंदर ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके, प्यार से पढ़ा सके, बच्चों को ग्रो करने में हेल्प कर सके, ये सारी बातें देख के ही एक टीचर का सिलेक्शन किया जाता है। फिनलैंड के स्कूल्स में कोई यूनिफॉर्म का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, आप अपने घर के कपड़ों में आराम से जाओ और पढ़ाई करो, मजेदार पढ़ाई का आनंद लो। साथ ही साथ 16 साल की उम्र के बाद जो उनका नेशनल टेस्ट होता है, उसके बाद पढ़ाई कंपलसरी नहीं है, एजुकेशन इज नॉट कंपलसरी देयर, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप अगर एकेडमिक पढ़ाई करना चाहते हो, थ्योरेटिकल पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए पॉलिटेक्निक्स उन्होंने बना रखी है, पॉलिटेक्निक्स के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, उन पॉलिटेक्निक्स को ज्वाइन करके आप प्रैक्टिकल कोर्सेज कर सकते हो और अपनी कंट्री का और अपना नाम रोशन कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं, आपको समझता हूं, साथ ही साथ मैं टीचर्स को भी समझता हूं, उनके भी चैलेंजेस को मैं जानता हूं, तो कैसे हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो मैं आपको अब समझाऊंगा मेरा क्या एनालिसिस है, क्या मेरे सजेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए, कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपने करंट सिस्टम में, वो बताता हूं। दोस्तों इंडिया में हम स्ट्रेट अवे एग्जाम को खत्म नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन सिस्टम एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि जो टीचर्स है ना, उनको थोड़ा फ्री हैंड देना होगा, टीचर्स को जैसे इलेक्शन आते उसमें लगा दिया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलती है उसमें उनको बेचारों को झोंक दिया जाता है और एक खंजांची, एक क्लर्क और पता नहीं क्या क्या बन के रह जाते हैं, और उनकी जो टाइम, एनर्जी, क्वालिफिकेशन है वो सारी धरी की धरी रह जाती है। तो सबसे पहले टीचर्स को रिलैक्स करा जाए, गवर्नमेंट को इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर टीचर से ये सब काम ना करवाया जाए, उनका सिर्फ एक ही काम हो, बच्चों को पढ़ाने का। साथ ही साथ टीचर्स की जॉब को थोड़ा मुश्किल बनाया जाए, ये जो अभी 2 साल का एक टीचिंग कोर्स होता है उसको करने के बाद कोई भी टीचर के लिए अप्लाई कर देता है, उसको थोड़ा मुश्किल करा जाए, इसको एक बार रीअसेस किया जाए और 5 साल का कोई कोर्स बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो वाकई में टीचर बनने में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि सिर्फ एक जॉब करने में। नो ट्यूशन क्लासेस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं पढ़ाई करने, ये सबसे बुरा हो रहा है बच्चे के मन के साथ, उसके माइंड के साथ, क्योंकि पहले वो स्कूल से आता है, स्कूल के बाद वो ट्यूशन जाता है, पहले वो स्कूल का होमवर्क करता है, ट्यूशन का होमवर्क करता है, वहां भी टेस्ट होते हैं, स्कूल में भी टेस्ट होते हैं, और इस तरह से उसका पूरा माइंड पैक हो जाता है, जैम हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो इस चीज पे बैन लगा देना चाहिए कि स्कूल लेवल तक कोई भी ट्यूशन क्लासेस नहीं होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि उन कोचिंग क्लासेस का क्या होगा जहां पे ट्यूटर्स पढ़ा रहे, टीचर्स पढ़ा रहे, तो उसके लिए मेरे पास बहुत प्यारा सोल्यूशन है। हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए वहां वैकेंसी ओपन कर देनी चाहिए, वो लोग वहां अप्लाई करें, वहां एज ए प्रोफेशनल टीचर अप्लाई कर सके, वहां बने, वहां पर अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बच्चों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, उनके माइंड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिनलैंड अपनी जीडीपी का अराउंड 6% एजुकेशन पे खर्च कर देता है। आप जानते हैं इंडिया में कितना खर्च होता है, हमारे देश में सिर्फ 3% खर्च किया जाता है एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो इस बार को ऊपर लेके जाना है, 3-6% कम से कम करना, ये मैं नहीं कहता, एनईपी में भी ये एक प्रोविजन डाला गया था जिसमें कहा गया था कि भाई हमें 6% तक तो कम से कम खर्च करना ही चाहिए। और सेकंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप जानते हैं 3% भी कितना है हमारे देश में, अराउंड 1,04,278 करोड़, मुझे नहीं पता कितनी जीरो इसके अंदर लग जाएंगी, इतना बड़ा अमाउंट जाता कहाँ है, गया कहाँ,
तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ये पैसा एजुकेशन में ही लगना चाहिए। फिर वो जो नए टीचर्स हम हायर करेंगे तो उनको भी सैलरी आप आराम से दे पाओगे, स्कूल्स भी अच्छे बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है दोस्तों अगर हमारे अंदर विल आ जाए। बच्चों को होमवर्क कम देना शुरू करना चाहिए, बच्चों का होमवर्क कम रहेगा तो बच्चों पर स्ट्रेस नहीं रहेगा, साथ ही साथ धीरे धीरे एग्जाम भी अर्ली एग्जाम रख देना चाहिए। ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी जब हमारे सिस्टम में चेंज आने लगेगा। एक और चीज है पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक सेटअप हमारे देश में भी है, हमारी कंट्री में भी है, लेकिन वो ज्यादातर प्राइवेट है जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सारी पॉलिटेक्निक्स मोस्टली गवर्नमेंट रन होनी चाहिए और जिनका पर्पस सिर्फ बच्चे को स्किलफुल बनाने पे होना चाहिए। टाइमिंग ऑफ स्कूल जैसे यूपी में होता है हमारे कि वहां 9:30 तक बच्चे स्कूल जाता है, यही चीज हमारे यहां सभी जगह हो जानी चाहिए, शहरों में भी होनी चाहिए कि बच्चे को रिलैक्स फील हो, उसकी नींद पूरी हो, वो आराम से उठे और तैयार होकर अच्छे मन से स्कूल जाए। तो टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए स्कूल जाने की, ये 7-8 बजे ना रखते हुए 9:30-10 बजे तक रख देनी चाहिए। और यूनिफॉर्म को भी अब खत्म करने का टाइम आ गया है दोस्तों। पहले हम यूनिफॉर्म इक्वालिटी को दिखाने के लिए रखते थे, पहनते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज का सामना करना चाहिए, वी आर इक्वल, इसको दिखाने के लिए हमें कोई यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है। और हम सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि कौन कौन सी यूनिफॉर्म पहनेगा, कौन से कपड़े पहनेगा, इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज भी एकदम खत्म हो जाएंगी। सो ये बेस्ट सोल्यूशन है जो मुझे लगता है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए, कमर्शलाइजेशन को रोकना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को खत्म करना चाहिए। जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालो। फिनलैंड ने किया है, आप अपने घर में कर सकते हो कि अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत डालो ताकि उसे एग्जाम से डर ना लगे, ताकि वो सुसाइड ना करे। हमने बहुत ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बच्चा एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये आपके लिए आंखें खोलने के लिए काफी था कि फिनलैंड में क्या हुआ, कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे हम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो उन सभी तक पहुंचाइए जिनको इसे देखने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।